इससे पहले कभी छुक-छुक गाड़ी में बैठे हो? हाँ। तुम कभी मुंबई गए हो? नहीं। हम मुंबई कब पहुँचेंगे? पहले रेलगाड़ी चले तो। रेलगाड़ी कब चलेगी? सुन गुल्फी, मुंबई वाली गाड़ी को आने में भी वक्त है, और जब तक हम गाड़ी में बैठकर निकल नहीं जाते तब तक हमें सबसे छुपना होगा। निहालो, सीताराम, पुलिस, कोई भी हमें देखना नहीं चाहिए, समझी? छुपन छुपाई, छुपन छुपाई, उसमें तो मैं माँ को चूर्ण चिता देती थी। अब देखना मामा, मैं छुपी रहूंगी। मेरा वेक, उठो चल। कहाँ जा रहे हो? लवी नहीं, लवी लवी नहीं, लवी तुम कहीं नहीं जाओगे। लवी नहीं, लवी नहीं, तुम नहीं जा सकते हो। लवी तुम हमारा को लेकर ये निमृत तो चली गई और इस मुसीबत को मेरे सर पे छोड़ गई है। बढ़िया ही, सिकंदर सिंह गिल की बेटी है। लवी हमारा लव, लवी अरे रुको, अरे छोड़ो मुझे, इसी तरह रुको, अरे रुको रुको, थोड़े कांच बाल का बता सर, और मैं कोई अमली पगली दीवानी नहीं हूँ। रुको रुको, अरे रुको, अरे छोड़ दो, अरे नहीं हो तो हो जाओगी पगली। मुझे कब तक हम हर गाड़ी को रोक रोक के उसमें कुल्फी को ढूंढते रहेंगे? अरे सीताराम जी, तब तक ढूंढती रहूंगी जब तक ये माँ बाप जी मुझे मिल नहीं जाते। रुको 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 रुको, अजय उतरो, कहाँ छुपा रखा है बता मुझे, किधर है? सीताराम जी। हाँ जी। क्या स्यापा हो गया? ये कुल्फी की मामी है जी। अजय आपने कुल्फी को देखा? हम कुल्फी को ढूंढ रहे हैं जी। तो कुल्फी को तो अभी मैंने अपने मामा के साथ देखा। आज कहाँ देखा? ओ जी मुझे ये तो नहीं पता कहाँ गए, लेकिन मैंने कुल्फी से वादा किया था कि सिकंदर पर आज का फंक्शन खत्म होते ना मैं उसे सिकंदर जी की तस्वीर दे दूंगा, बस वही देख के आ रहा हूँ। और हाँ, उसके जो मामा थे ना, उन्होंने मेरे से सिकंदर पर आज का पता पूछा था, तो वो कह रहे थे कभी भी उनका मौका लगेगा तो वो कुल्फी को उनसे मिलवाने जरूर लेके जाएंगे। लवली लवली लवली, मेरी बात सुनो। लवली मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने माफ कर दे, मैं बहुत शर्मिंदा, मैं तुम दोनों के साथ बहुत गलत किया, एक मौका दे दे मैं सब ठीक कर दूंगा। मॉम जरा आपसे बात कर रहे हैं, दादा ने मेरी पार्टी खराब की लेकिन अब वो मुझे सिंगिंग भी सिखाते हैं, और उन्होंने आपके लिए गिफ्ट। मारा, स्टॉप इट, बस दादा 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 जो मैं कह रही हूँ वो करो ना। बहू अपना गुस्सा बच्चे पे क्यों उतार रही हो, प्यार से समझा के बोलो। तभी मेरी बेटी को अपने साथ मत ले रहे, तेरू लगता वास्ता। कैसे जाऊंगा? मेरी बेटी के लिए भीख मांग दो, इसको मेरे से दूर मत लेके जा। मैं भी देखती हूँ मेरे हाथों से ना कैसे बचते हैं दोनों। आसपास के 20 गांव में ना नियानों से सियान कोई नहीं है। देखती हूँ मैं। के सामने तमाशा करते हुए तुम्हें अच्छा लग रहा है? हमारा मंदिर जाओ। हमारा कहीं नहीं जाएगी, हमारा को भी देखना चाहिए था उसके दादा क्या कर रहे। हमारा
अंदर जाओ। कहीं नहीं जाएगी। मेरे पीठ पीछे तुमने ने मेरी बेटी को अपने तरफ कर लिया। वो तुम्हारी बात कब से सुनने लगी? तुम्हारी बात कब से सुनने लगी वो? बेटी को भी मुझसे छीनना चाहते हो? बेटी को छीनोगे? बदतमीजी की भी एक हद होती है। मैं आज वो हद भी पार कर दी। इतने सालों से मैं तुम्हारी बातें सुनती आई हूँ, आज तक तुमने मुझे माँ का दर्जा नहीं दिया और मैंने भी तुम पर कभी सास होने का हक नहीं जताया। ये मेरी सबसे बड़ी गलती हुई। अगर मैं ऐसा करती ना तो आज तुम्हारा ये जो हाथ है ना, मेरे बेटे के गले तक नहीं पहुंचते। क्या हो गया? अगर एक बेटे ने अपने बाप की बात मान ली। बेबे तुम मत बोलना बीच में। अरे तू चुप बैठना, बोलने दे मुझे। हाँ बेबे बिल्कुल ठीक कह रही है सिक्के। अरे कब तक तू ये सब सहन करता रहेगा? इस घर का दामाद बनने से पहले तेरे पास पैसे भले ही नहीं थे लेकिन इज्जत बहुत थी। हमें नहीं पता था कि बड़े घर में अपने दामाद की यह हैसियत होती है। वाह सिकंदर सिंह गिल, वाह! इतनी अच्छी इमेज बना रखी अपने घर वालों के सामने, इतनी अच्छी। और मैं एक बीवी हूँ जो अपने पति को इतना सताती है, एक कमीनी बीवी। हाँ और तुम मेरे बेचारे पति, मेरे बेचारे पति। हाँ अरे भले मैं बुरी हूँ, जो हुआ आपके सामने हूँ ना, आपके आपके बेटे की तरह तो नहीं। सिकंदर अपनी माँ अपने भाई तक को नहीं कहा तुमने कि कितने बड़े बड़े काम करके आए हो तुम? हाँ नहीं कहा? बता दो। आपका बेटा झूठा है, इज अ लायर, सबसे बड़ा झूठा। उससे शादी करने से पहले किसी और से शादी कर चुका है, मेरा पति बनने से पहले किसी और का पति बन चुका है। वो जो निम्रत चिल्ला रहा था ना, मुझ पर इल्जाम लगा रहा था, उसकी पहली बीवी और आपकी पहली बहू है। सच बोलो, तुमने निम्रत को मार डाला ना? कहाँ है वो? ये नहीं हो सकता है। अरे ऐसा हुआ है। इतना ही नहीं, उसके साथ उसकी एक सिकंदर सिंह गिल की बेटी है। सीताराम जी। हाँ जी। ये आवाज सुनी? मैंने पक्का यकीन, ये कुल्फी की आवाज है जी। वो यही गई है। चुप जा कुल्फी, चुप जा। नीचे। हाँ। सीताराम जी। जी। आप उधर देखो। हाँ जी। मैं इधर देखती हूँ। ये 3 फीट की छोकरी मुझे मिले ना मिले, और उसके 9 फीट के मामा को तो मैं ढूंढ के रहूंगी। आराम से। इस तरफ को जाओ कुल्फी। मामा, मामा छुपन छुपाई। हाँ बच्चे कुल्फी। हाँ उठ जा,
उठ 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 जल्दी उठ चल 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 पुत्र चल चल अमायरा 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 कब है मेरी बेटी सोचती है कि मेरा सिक्का कितना सच्चा खरा है। ये बात सोच सोच कर मैं खुश रहती रही कि मैंने अपने बच्चों को औरतों की इज्जत करना सिखाया। आज तूने सबके सामने मेरी गर्दन झुका दी। दो मासूम औरतों की जिंदगी खराब कर दी और तूने इस बच्ची के बारे में एक बार भी नहीं सोचा। अच्छा हुआ आज मैंने पता चल गया कि मेरा सिक्का कितना खोटा है। नहीं तू मैं अपनी बेटी के बिना नहीं जी सकता। अच्छा पुत्र मामा अब हम क्या करेंगे? आने की जगह नहीं है, चल जाए यहां से। ओ जी शर्म करो निहालो जी, ये जनानियों के जाने की जगह नहीं है। चुप करो सीताराम जी, आप अंदर जाके देखो, मैं इधर देखती हूँ। अगर मुझे मिलेंगे ना मैं यही में दबोच लूंगी। अरे देख क्या रहे हो, जाओ ना। हाँ जी हाँ जी। ओ जी आपने एक छोटी सी 6 साल की बच्ची को यहाँ अंदर आते हुए देखा है जी? ओ जी उसने वो 2 चोटी बनाई हुई है और उसने एक वो सूट पहना हुआ है और जी उसपे हरे और गुलाबी रंग के फूल हैं जी और जी उसके ऊपर के 2 दांत टूटे हुए हैं जी और वो गोरी सी है जी। आपने आपने उस बच्ची को देखा जी? ना पाजी मैंने तो नहीं देखा पाजी। इधर अच्छा जी कुल्फी के कपड़े बदलवाने पड़ेंगे पर
मैं नवे कपड़े लावा कहां से? इंतजाम दे हो क्या कुल्फी? मैं तुझे अब जैसा कहूंगा तू वैसे ही करेगी। हाँ चल। रेलगाड़ी तक घुसलखाना है, जल्दी जाओ और कपड़े बदला। और छेती कर कुल्फी, अगर निहाल और सीताराम ने देख लिया ना तो सारा खेल बिगड़ जाना है। Da 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 da
मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।